सो गाइस, अभी आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइए कि गॉगल्स कैसे लग रहे हैं। ये गोरा ने मुझे गिफ्ट किए हैं। वेलकम सारी यूट्यूब फैमिली का वेलकम। आपने बोला नहीं, सबको वेलकम, सबका वेलकम। सो गाइस, इधर वो देखो, वो भी कोई आपको देख रहा है इधर। ये देखो चांद, आपका रूम हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो क्या मतलब कैसे सफाई करते हो आप? एक बार पोछा मार के दिखाएंगे हमें आपको? अभी पोछा मारेगा के बोल के जेडे साडे दर्शक दिखा करदे ना, साडे प्यारे फैमिली दिखा यूट्यूब ते। ये तो पता जिल तेरा छड़ा फोटो रखा ना तो वीडियो इया रीच होई दी 2 मिनट है के बोल के जेडे साडे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर दिखा ना। गाइज वेलकम बैक टू एक और ब्लॉग। सो गाइज, भाई आपका हो गया है रेडी, तो आ गया एक और ब्लॉग लेके। सो आप सरप्राइज होंगे कि अचानक से रेडी होके कहाँ जा रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, बट सौरभ का फ़ोन आया था, चाचू के बेटे का, बोल रहा है आज प्रियंका के घर में जाना है। आज तुम दे है ना, तुम दे समझिए ना, तुम दे क्या चीज़ है, तो वही लेके जाना है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो आ गया वो घर पर और पीछे गाड़ी लगी हुई है। सौरभ ने वो अपनी गाड़ी लेके आया, बोलता है इसमें जाना है, फिर बोल रहा है इसमें जाना है क्योंकि इसमें सामान नहीं आ रहा। तो मैंने बोला ठीक है, सामान को अनलोड करो, इसमें डालो डिग्गी में, फिर चलते हैं। फर्स्ट टाइम जा रहा है, गाड़ी भी फर्स्ट टाइम जा रही है प्रियंका के घर में। तो चलो गाइज, अभी आपको प्रियंका से मिलवाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता आप सभी कर लोगे। सो चलें फिर, चलो। बड़ी गंदी है, इसने मुझे पहले नहीं बताया, अगर पहले फ़ोन किया होता तो मैं गाड़ी धुलवा लेता। अब ऐसे गंदी गाड़ी में ही जाना पड़ेगा। गाइज, अभी आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइए कि गॉगल्स कैसे लग रहे हैं। ये गोरा ने मुझे गिफ्ट किए हैं और बोल रही थी आज पहन लेना। और आपको पता है गॉगल्स वगैरह ये वही खरीदती है, तो मैं तो नहीं खरीदने वाला, मुझे नहीं पता चलता इन चीज़ों का। और गर्मी बहुत है, सौरभ फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठेगा, अब एक्सपीरियंस पूछते हैं इसको कैसा लगेगा। तो पहले गाड़ी में सारा सामान रख लेते हैं, देन आपसे बात करते हैं। देख सकते हैं आप मेरे हाथ में कैप मोटर लगा के और पानी भर रहे हैं। जाने की तैयारी थोड़ी कैंसिल कर दी, मैंने सोचा 10 मिनट लेट जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी धोनी पड़ेगी। बड़ी बुरी हालत है यार गाड़ी की, इतनी बुरी हालत है ना मतलब। और इधर रखो पीछे, बंदा कौन लगाया मास्टर, पहली बार गाड़ी में बैठना है इसने। तो मैंने सोचा यार गाड़ी चाहिए थोड़ी बैठना, पहले सफाई करो। इसने मुझे पहले बताया होता ना जाना है वहाँ पर शाम को, तो मैं सुबह गाड़ी धोता, क्योंकि कल बारिश हुई थी, बारिश की वजह से गाड़ी पूरी गंदी हो गई है। और अभी धोके फिर आपसे मिलते हैं। इसे अच्छे से साफ करो भाई, गाड़ी ब्लैक गाड़ी ऐसे नहीं, ये बड़ी डस्ट पकड़ती है। देखो कितने प्यार से गाड़ी धुल रही है, पर मैं पानी मारने वाला बंदा। तो गाइस अभी धोके फिर बात करते हैं। गाड़ी मेरा धो ली है, पसीना देखो, हालत पूरी खराब है। जड़ी कोई थोड़ी बहुत क्रीम लाई है उतरी है। तो चलो हूँ चलने, प्रियंका बार बार फोन आ रहा है, बाजार जी है, थोड़ा समान और भी लेना है, फ्रूट वगैरह खरीदना, बाकी गाड़ी पूरी फुल कर ली है। तो बाद दसो गाड़ी लगाई है मार्केट में, सौरभ ले रहा है भाजी मठियाँ की, वो भी लेना जरूरी है। सो भाई आपका मेरा दूध, भूख लगी थी, व्रत रखा तो सोचा दूध पी लेते हैं। पीछे देखो कौन बैठा है, पहचान हो रही, हेलो करो जोरी बोलो, हेलो। सो अभी शादी है हमारे घर में, तो शादी की तैयारी चल रही है। आज प्रियंका के पास जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो देखो उसका रिएक्शन क्या होता है। जीजू भी घर में आए हैं तो मिलवाता हूँ उनसे, ठीक है। सो पहले दूध पी लेता हूँ। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं प्रियंका के पास। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं प्रियंका के घर में, और प्रियंका देखो दीवार से झांकियां मार रही है, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट। और दादी भी देखो वेलकम के लिए, देख सकते हैं हम पीछे से हमने वीडियो बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि ये मूवमेंट हमने कैच करनी है। ये देखो ऊपर शाल है ना मान लगी, ऊपर ना डाई मार लगी। सो गाइस देखिए अभी खतरा ही एक्साइटमेंट में, ऊपर शाली मार चाऊ माऊ भी आंदा है। गाइस अभी आप देख सकते हैं ये है प्रियंका का घर, गाड़ी अंदर जा रही है धीरे धीरे, आपको घर भी दिखा रहा हूँ, बाद में शूट करने का शायद टाइम ना लगे। आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं प्रियंका के घर में, और प्रियंका और जीजू दोनों सामने खड़े हैं, और एक्साइटमेंट देखो बच्चे कैसे कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और ठीक है, हेलो हेलो हेलो, वेलकम सारी यूट्यूब फैमिली का वेलकम। आपने बोला नहीं, सबका वेलकम। सो गाइस आप बड़ी डिमांड थी, देखो इधर गाड़ी लगा दी हमने, ये सौरभ देखो उधर भाग रहा है, तो मैं पूरा घर दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले सबसे मिल लेते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं प्रियंका येलो ड्रेस में येलो जूस लेके आई है, तो हम पीना बनता है। इधर बैठे हैं जीजू और इधर बैठे हैं हमारे मास्टर जी, देखो स्माइल इनके, और इधर बैठा है सौरभ। सौरभ हेलो,
सॉरी जी बुरी हालत में काम लाना ऐसी। सो गाइस अभी हम जूस पीते हैं। थैंक यू प्रियंका की लग गई है ड्यूटी बेचारी की। ठंडा काटा है इसी थोड़ी इसी बर्फ पाए थे थोड़ी यारी। अभी आप देख सकते हैं मैं बाहर आ गया हूँ और बाहर का व्यू देख लो आप कितना प्यारा लग रहा है। इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अंदर तो बड़ी ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि अंदर टोटली बंद है और बाहर यहाँ पे ओपन है और हाइट में ये घर देख लो। देखो हेलो करो इनसे। हेलो, शादी में मिले थे और कितनी देर बाद मिल रहे हैं हम, है ना। क्या बोलना चाहोगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी? यही बोलना चाहूँगा कि भैया के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। शेयर करो अगर जीजू ने बोला भाई करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो स्पेशली ये बात बोलने के लिए बाहर आए हैं आपको, ठीक है। तो अगर कोई बंदा नया वीडियो मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी देखो प्रियंका आ रही है। प्रियंका के बोल गई जेडे साढ़े दर्शक दिखा कर देना, साढ़े प्यारे फैमिली दिखा यूट्यूब तेरे ये तो पता जिला तेरा छड़ा फोटो रखा ना तो वीडियो इं रीच होती दो मिनट है। के बोल गई जेडे साढ़े प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर दिखे ना लेकिन कुछ बोलो जो हमारे यूट्यूब फैमिली देख रही है, क्या बात करोगे आप उनसे आज हम यहाँ पे आए हैं, वो कैसा फील हो रहा है? मतलब बहुत सारी बातें होती हैं आप। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग कमेंट करके बताएं हमारे घर के लिए हमारा घर कैसा है एंड वीडियो जो भी भैया डालते हैं उसको लाइक कमेंट शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मतलब इसको घर की पड़ी है कि घर कैसा है कमेंट करो गाइस। इसको ये नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे आए हैं, इसको कोई एक्साइटमेंट हुई है, सुबह से वेट कर रही थी, इसको ऐसा कुछ नहीं इसने बोला, देख लिया ना आपने। इसको बस ये है कि भाई हमारा घर अच्छा है, वो सबको दिख रहा है घर अच्छा है, वो तो कमेंट्स आएंगे आपको। बट ये बात गलत है कि हम इतनी देर के बाद आ रहे हैं और ये इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ कि नहीं, सिर्फ उधर से चांकियां मार रही थी, वो अलग बात है। तो क्या बोलोगी? ये देखो ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक बार फोन नहीं आया मेरे फोन है। आपको पता था मेरा फास्ट है तो फिर आपने फास्ट में क्या तैयारी की है? गाइस मेरी फेवरेट खीर, ओह माय गॉड। सो अभी आपको प्यार सा घर दिखाने वाला हूँ। सौरभ देखो दादी के साथ बैठा है, गप्पे मार रहा है। ये देखो बड़ी कोई प्यारी सिलाइयाँ कर रहा है अभी कोई। सो गाइस ये इनका घर है और इनके साथ में ये चाचू का घर है ना, इनके ये इनके चाचू का घर है साथ में और बड़ा अच्छा एरिया। ये किनका घर है? ये भी इनका, ये जो सामने दिख रहा है ना ऊपर से दिखेगा आपको, ये भी इनके दूसरे चाचू का घर है। और ये प्रियंका ने देखो सनफ्लावर लगाए हैं इधर। प्रियंका तेरे को तो बड़े बड़े रखे, पीले पीले कपड़े बांधे प्रियंका तां करिए क्योंकि इन्हें सनफ्लावर लाए इधर। देखो सो गाइस इधर वो देखो, वो भी कोई आपको देख रहा है इधर। ये देखो चांग करो पहचान करो कट्टी। सो गाइस ये प्रियंका की चाचू उनकी कट्टी है। एक सीधे बोल सकती थी भाई, हिंदी में बात कर रहे हो यार, आप क्या बेइज्जती कर रहे हो? आप डोगरी में ब्लॉग बनाते तो हम हिंदी में बोले तो सीधे बोलो ना, ये हमारे चाचू की कट्टी वाली, ये सर चाचू उनकी कट्टी है तो ए हमारी माझा, इनकी माझा है। इनकी माझा है। यार डोगरी च बोलने मजा आंदा, इनकी कट्टी है तो भाई इनकी माझा। तो इधर वाशरूम है और दिखी सकने तो हर एक चीज दसा ना। प्रियंका ने येलो कलर पाया था, कमेंट कर दसना कि कनेहा कलर लगा था इसी। ठीक है, सौरभ से मैंने काफी ज्यादा मेहनत करवाई है तो भाई की गाड़ी देख लो यार, आप लोग भी पीछे से देख लो, मैंने आपको दिखाई नहीं है पीछे एक ब्रांड का वो यूट्यूब चैनल का वो लोगो लगाया, इंस्टाग्राम का किसी ने कोड दिया है और अब इसको मैंने फिर से लगाना पड़ेगा। ये देखो ये किसी ने बड़ी ज़्यादा हरकत की है, इसको कोड ही दिया है और नंबर आप देख रहे हैं और पीछे एक का लोगो लगा हुआ है। ये मेरी हर एक गाड़ी पर लगता है, ये आपको बता दूँ, शॉप के बाहर भी लगा हुआ है। और क्या है बाकी गाड़ी तो ही है, हमने बड़ा मुश्किल करना तो ही है, आने काली काली पेदे तो ही है। सौरभ ये है इधर बैठा हुआ पीछे, आपको एक हम अपने पहलवान से मिलाते हैं। ये सामने नहीं आ रहा और वीडियो में आने के लिए रेडी हो चुका था बट अभी पता नहीं क्या बात है। इधर देखो ये नीतीश, देखो पहले रेडी था बट अब आ गया। ये हमारी दादी जी, दादी माँ। दादी जी क्या हाल है थोड़ा? ठीक है, ठीक है। वीडियो तो दिखने होने साड़िया हिंदी बनाइए या डोगरी बनाइए?
ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਦੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬਣਾਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡੋਗਰੀ ਚ ਡੋਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਸੌਰਵ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਗਾੜੀ ਸੇ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰਨਾ ਗਾੜੀ ਕੇ ਲੁੱਕ ਯਾਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੁਝੇ ਅਭੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਮੇਂ ਗਾੜੀ ਲਗਾਈ ਨਾ ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਮੁਝੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਈ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਅਭੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਅੰਦਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੇ ਅਭੀ ਆਪਕੋ ਮਿਲਵਾਤਾ ਹੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੇ ਯੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕੀ ਦੋ ਦੋ ਮੰਮੀਜ਼ ਯੇ ਦੇਖੋ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਹੈਲੋ ਕਰੋ ਹੈਲੋ ਅਭੀ ਯੇ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕਾ ਰੂਮ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਰੂਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਯੇ ਦੇਖੋ ਯੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕਾ ਟੈਡੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਚਾਣ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਇਸਨੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੂੰ ਨਾ ਯੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਗਾਈਜ਼ ਅਭੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਤਾਈਏ ਆਪਕਾ ਰੂਮ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਤੋ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੇ ਹਮੇ ਆਪਕੋ ਜੀ ਅਭੀ ਅਭੀ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅਭੀ ਅਭੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਪੋਚਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਦਿਖਾਓ ਆਪ ਇਤਨੀ ਸਫਾਈ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਪੋਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਗਾਈਜ਼ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਨਾ ਯੇ ਕੈਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਂਗੇ ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਭੀ ਹਮ ਘਰ ਮੇਂ ਆਏ ਨਾ ਤੋ ਇਸਕੋ ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਚਨ ਮੇਂ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਚਨ ਮੇਂ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਚੀ ਜੀ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਇਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੋ ਖਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਯੇ ਗਾਈਜ਼ ਜੋ ਬੰਦਾ ਚਾਏ ਪੀਤਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਏ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ ਮੈਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲਾ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਅਗਰ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲੂੰਗਾ ਔਰ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲੇਂਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਖਾ ਲੇਂਗੇ ਬਾਈ ਗਾਈਜ਼ ਅਭੀ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਗਾੜੀ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਗਾੜੀ ਕੋ ਖਾਲੀ ਕਰੇਂਗੇ ਅਨਲੋਡ ਕਰੇਂਗੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਆਪ ਕਿਤਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯੇ ਹੋਤਾ ਤਮਦੇ ਮੇਂ ਜਬ ਹਮ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਕੇ ਬਹਿਨੋਂ ਕੇ ਘਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਸੌਰਵ ਕੀ ਲਗੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਥ ਮੇਂ ਦੇਖੋ ਰੋਹਿਤ ਕੋ ਵੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਸ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੀ ਬਚਾ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਸੌਰਵ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੌਰਵ ਰੈਡੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫੌਜੀ ਬੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੈਡੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਾ ਥਾ ਔਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਭੀ ਖਾ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਭੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜਮਾ ਬਣਾਇਆ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਮ ਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਕੇ ਕੋ ਸੱਚ ਮੇਂ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਾ ਥਾ ਮੈਨੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਮੈਨੇ ਤੋ ਅਭੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬਰਤ ਇਧਰ ਹੀ ਪਵਾਰ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੋ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਰੈਡੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਮਿਲਨੇ ਗਾਈਸ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਪੇਟ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਕਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਤਨੇ ਸੇ ਚਾਵਲ ਛੋੜ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਫਾਸਟ ਯਹੀਂ ਪੇ ਪਵਾਰ ਦਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਦੱਸਾ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਇੱਧਰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਲੱਭਾ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਚੀ ਹੈ ਮਾਸੀ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਇਤਨਾ ਟੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਭਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਭਲਾ ਗਿਆ ਭੁੱਖਾ ਤੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੋਲੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਮ ਔਰ ਯੇ ਪਲੇਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਯੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕੀ ਜਬ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦਸੰਬਰ 8 ਕੋ ਤੋ ਯੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕੋ ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀ ਥੀ ਬੁਲਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਥੀ ਹਮਨੇ ਹਾਂ ਤੋ ਬੁਲਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਥੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ ਚਲ ਜਾ ਫਿਰ ਘਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਆਈਓ ਆਖੇ ਜਾਓ ਘਰ ਦੇਖ ਲੈ ਭੇਜਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋ ਐਕਚੁਲੀ ਹਮਨੇ ਇਨਕੋ ਤਮਦੇ ਭੇਜਣੀ ਥੀ ਤਮਦੇ ਆਦੇ ਨਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਅਭੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੈ ਡੋਗਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਗਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਲੇ ਆਏ ਹੋ ਲੈ ਲੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੇਰਾ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਥਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਇਨਸੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ ਅਵੇ ਡੱਬੇ ਬਾਹਰ ਸਹੀ ਨਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ So guys, अभी आप देख सकते हैं ये मेरे को ये क्या दे रहे हैं। मैंने पूछा क्यों दे रहे हैं मुझे पहले ये। अच्छा शगुन है ये, तो वीडियो भी तो बना रहा हूँ उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे फिर भाई। दादी ठीक है नी, जो बंदा वीडियो बनाता है उसको तो भाई एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए। नवी गड्डी आई, तेल भी पाना है जंदे हूँ। सो गाइज अभी देख सकते हैं हवा बड़ी अच्छी चल रही है। मासी ने अभी शगुन लाया है, तो आप ऐसा करो डिब्बा दे दो मुझे, ये पैसे रहन दो। नहीं समझा करो, हाँ घर वाले गाली देनी मम्मी, ये गलत गल सुनो की कीते आ। सो गाइज अभी लालच आ रहा मुझे तो रख लेता हूँ ना। सो गाइज अभी देख सकते हैं सारी फैमिली इकट्ठी हो चुकी है, और प्रियंका भी, इनको मैंने बोल दिया कल आने के लिए, और अभी सभी इनको करेंगे हम टाटा बाय बाय। सो बाय गाइज, देखो कितने खुश लग रहे हैं ना सभी। तो गाइज अभी हम निकलने वाले हैं, सौरभ ले रहा आशीर्वाद। ठीक है चलो, ठीक है फिर। तो गाइज अभी हम जाने लगे हैं प्रियंका से, बाय बाय प्रियंका, ओके बाय। हेलो गाइस पहुंच चुके हैं घर में, और अभी करेंगे फुल रेस्ट। मज़ा आ गया वहां पे, सबसे मिलके आए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, जो भी था खाना पीना जो भी, बहुत टेस्टी बनाया था उन्होंने। और अभी नींद लगी है, बस सोना है, पूरे दिन से घूम घूम के थक गए हैं। और सौरभ को पूछते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस रहा, अभी ये डब्बे डब्बे टो रहा है, इधर देखो उधर। सौरभ से बात करते हैं, सौरभ कैसा एक्सपीरियंस रहा आज, फिर फर्स्ट टाइम ये गाड़ी में बैठा है क्योंकि छुट्टी अभी आया है, तो क्या बोलोगे? बड़ा एक्साइटेड था मैं गाड़ी में बैठने के लिए। सबसे पहले मेरे से धुलाई कोई आधा घंटा फिर बैठा, और बाकी बहुत बड़ी प्रोग्राम था, अच्छा था सब कुछ, अच्छा था। धुलाई तो धुलाई धोनी तो पड़ेगी भाई, इमरजेंसी में मुझे बताया कि वहाँ पे जाना है। एक्चुअली हमने गाड़ी ये दूसरी वाली लेके जानी थी, बट सामान ज़्यादा था, तो फिर उसकी वजह से दूसरी गाड़ी को लेके जाना पड़ा। सो इट्स ओके, जो भी था अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो गाइस ठीक है, फिर मिलते हैं कल, सॉरी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय माता दी, और लव यू ऑल। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी वीडियो लगी। तो तब तक बाय बाय।